एक्साइटमेंट तो बहुत है, नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैंने अपना काम सही किया है. बाकी अब जो कटिंग शटिंग है या जो एडिटिंग है वो तो डायरेक्टर्स के हाथ में है, एंड कैसे क्या रिलीज होगी, कितने जगह रिलीज होगी, ये सब अब मुझे अब पता चलेगा. तो देखें, आपको ज़रूर पता चलेगा और आप ज़रूर देखने आइएगा मेरी फिल्म त्राहिमाम, जो अभी 16 को रिलीज़ हो रही है, और शतरंज जो नेक्स्ट 20 को रिलीज़ हो रही है जनवरी में. अच्छा, प्रीव्यू चल रहा है यहाँ पे, लोगों ने देखा है क्या, रिस्पॉन्स उनका आया है क्या, कुछ बात हुई आपकी? मैं वेट कर रही हूँ करें. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी डेफिनेटली अच्छा लगा होगा काम करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरा थोड़ा नेगेटिव रोल है, एंड मैं जिस तरह से मेरा नेचर है उससे कंप्लीटली ऑपोजिट ये रोल है, थोड़ा सा भड़काऊ सा, थोड़ा मतलब लोगों को डराने वाला. तो आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल कि कैसा लगेगा लोगों को ये मेरा नया टाइप का रूप. तो अब देखें कैसा रिस्पॉन्स आता है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा काम करके. क्या है फिल्म का, बताएंगे फिल्म के बारे में, हम जानते हैं एक बार बता दीजिए क्या. फिल्म का ये है कि मैं एक लॉयर हूँ त्राहिमाम फिल्म में, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है, जब हद हो जाती है, तब लोग कहते हैं कि त्राहिमाम त्राहिमाम, तो ये वही टाइटल जो वही है, त्राहिमाम का मतलब वही होता है. तो मैं जो नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ, तो ये एक छोटे से गांव की कहानी है, रियलिस्टिक कहानी से थोड़ी रिलेटेड है. तो कि वहाँ पे गांव में जो हेड होते हैं, जो सरपंच होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो कैसे अपना पावर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने पावर से लोगों को दबाते हैं, उसके ऊपर ये कहानी है. और जो मैं लॉयर हूँ, तो मैं भी अपना, मैं खुद भी अपना पावर लगाती हूँ कि मैं अकेली लॉयर हूँ वहाँ की, तो हर केस मुझे जीतना ही जीतना है. तो कहते हैं ना कि जैसे कई सारे लॉयर्स का तकिया कलाम कुछ होता है कि इतने मिनट में कर दूंगा ये, इतने में ऐसे जीत जाओगा, वैसे जीत जाएंगे, लेकिन मुझे देखकर ही लोग डर जाते हैं कि अब ये आइए तो ये तो केस जीतने ही वाली है, सब छोड़ के छाड़ के चले जाते हैं. तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है, थोड़ा सा लोगों को डरा के रखा हुआ है. तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. दुष्यंत जी के बारे में कहेंगे, दुष्यंत जी के साथ मैंने 3 फिल्मों में काम कर लिया है, तो एक वेब सीरीज भी है उसके अंदर. तो इट्स रियली एक्साइटिंग कि एक दिन में अगर वो कैरेक्टर उस मूड में है, तो उस मूड में कैसे कितने ज़्यादा सीन ले सकें, उस कैरेक्टर के उस वक्त जो मतलब मेंटल हेल्थ जो चल रही है उस हिसाब से फटाफट फटाफट काम करवा लेते हैं, और बहुत अच्छे से काम करवा लेते हैं, और पता चलता है कि कैसे एक फ्लो में काम निकल जाता है, बहुत अच्छे से समझा करके कि ये कैरेक्टर का स्केच कैसा है, ये कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा, तो उसको पूरा ढाल देते हैं उस कैरेक्टर में, और फिर पूरा पूरे दिन में बहुत सारे सीन हो जाते हैं. बहुत मज़ा आता है काम करने के लिए, बिकॉज आप उस वक्त उस कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए हो और आपको पता है कि किस तरह बिहेव करना है, तो आप तुरंत तुरंत सारे सारे सीन खत्म कर देते हो, और बहुत अच्छा लगता है. फहीम भाई प्रोड्यूसर, उनके बारे में. मैं अब उनसे मिलूंगी, सो आई होप दे ऑल्सो लाइक माई वर्क, और आगे ये जो फिल्म और जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें मैं भी हूँ. थैंक यू.